So welcome back again to this new video, and in this video we are going to discuss about the today's Geeks for Geeks problem of the day. So the today's problem of the day is summed matrix. Let's read the problem statement and then move to the approach. So a matrix is constructed of size n cross n, and given an integer q, the value at every cell of the matrix is given as Mij equals to I plus j, where Mij is the value of the cell. I is the row number and j is the column number. Return the number of cells having value q. Assume the array is in one-base indexing. So if n is equal to 4, q is equal to 7, output is 2. How output is 2? So we have to query for 7, and if we fill this matrix, it looks like this. So let's try to understand what it is saying. So let me change the color a little bit. So actually this question is very not, I have to read it first. Right. So यहाँ पे जो यहाँ पे n की वैल्यू है वो 4 दी गई है. इसका मतलब कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा 4 क्रॉस 4 का होगा, और जो मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स के सेल होंगे वो i प्लस j के सम होंगे, और वो i j वन बेस्ड है. तो अगर हम इसको नोट करें तो 1 2 3 4, जब हम इसका सम जब सारे सेल की वैल्यू फिल करेंगे तो ये होगा 2, ये होगा 3 3, 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6, 7 7 8. ये जो इसमें वैल्यूज होंगी वो ऐसे फिल होंगी. थोड़ा सा बड़ा टेस्ट केस लेते हैं, ये वाला टेस्ट केस लेते हैं 5 4 वाला. तो अगर हमारी एन की वैल्यू 5 है और क्यू की वैल्यू 4 है, तो हमारा मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा. पांच 5 by 5 की मैट्रिक्स, 2 3 3, 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6 6 6, 7 7 7 7, 8 8 8, 9 9 10. इसको थोड़ा सा केयरफुली देखो तो ये डायगनली फिल हो रही है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज फिल हो रही हैं, और अचानक से देखो इसमें जो वैल्यूज फिल हो रही हैं वो 2 से लेके और 2 इंटू एन तक फिल हो रही हैं. जैसे यहाँ पे एन 5 है तो 2 से 10 तक वैल्यूज फिल हुई हैं, राइट? और ये डायगनली फील हो रही है. लेट्स ऑब्जर्व वन मोर थिंग. इसमें जो सबसे सेंटर वाली वैल्यू है वो है 6, और ये जो सिक्स है वो सबसे मैक्सिमम टाइम इसमें है 5 टाइम्स, और ये चीज़ें इसमें जो वैल्यूज हैं वो ऐसे इंक्रीज हुई हैं, 2 एक बार, 3 दो बार, 4 3 बार, 5 4 बार, 6 5 बार, और फिर उसके बाद से 7 4 बार, 8 3 बार, 9 2 बार, 10 1 बार. मतलब कि ये 2 से 6 तक इंक्रीज हुआ है, और हाईएस्ट इंक्रीज 6 पे हुआ है, और वो इक्वल टू एन के बराबर है, और उसके बाद से डिक्रीज होना शुरू हो गया है. तो गाइस इससे हमको एक फॉर्मूलेशन दिख रहा है. तो फॉर्मूलेशन कैसे दिख रहा है कि जैसे जो 2 है वो 1 बार आया है, ये 1 आ कैसे रहा है? तो अगर तुम केयरफुली देखो तो 6 से 2 का डिस्टेंस कितना है? 6 से 2 का डिस्टेंस 4 के इक्वल है. 4 के इक्वल है कि नहीं? 4 के इक्वल है. मतलब 6 से 2 4 के इक्वल है. तो अगर तुम फॉर्मूलेशन बनाने की कोशिश करो तो अगर 6 में से 4 माइनस 1 अगर ये घटा दो तो 1 आ जाएगा. 2 के लिए देखो, अगर 3 के लिए फॉर्मूलेशन बनाओ तो 6 में से 3 घटा दो माइनस 1 2 आ जाएगा.
फोर के लिए सिक्स में से फोर घटा दो, सिक्स में से टू घटा दो, वन कर दो, तो ये तीन आ जाएगा। फाइव के लिए अच्छा बोल्ट, आई हैव टू रिफ्रेश दिस बोल्ट। जस्ट मिनट, हाँ गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम थे टू के लिए सिक्स में से फोर माइनस करके माइनस वन कर देंगे तो वन आ जा रहा है, वन बार टू आया। थ्री के लिए सिक्स में से माइनस थ्री माइनस टू, उसी तरह फाइव के लिए सिक्स में से वन माइनस वन फोर आया, और सिक्स के लिए सिक्स माइनस जीरो माइनस वन फाइव आया। तो गाइस इफ यू सी इट केयरफुली, दिस नंबर इज फिक्स्ड एंड दिस नंबर इज ऑल्सो फिक्स्ड। यहाँ पे हमारा सिक्स ही है सारे नंबर्स में, यहाँ पे वन ही है हमारे सारे नंबर में। हमारा से बीच वाला नंबर चेंज हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, वो हमारा जो डिस्टेंस है सिक्स से, डिस्टेंस जो है हमारा पर्टिकुलर वैल्यू का वो है, मतलब सिक्स से जो क्यू का जो डिस्टेंस है वो है। तो इससे हमारा फॉर्मूला बना कि इफ अगर हमारा जो क्यू लेस देन इक्वल टू एन है, और यहाँ पे हम एन को एन प्लस वन के इक्वल कर देंगे, मतलब अगर हमारा एन फाइव है तो हमारा जो एन होगा हम उसको सिक्स कर देंगे, और इफ क्यू लेस देन एन तो हम क्या कर देंगे, बस सीधे रिटर्न कर देंगे n माइनस क्यू माइनस वन, जस्ट ही रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज इफ जो हमारा q है ग्रेटर देन n है, इस केस में सेम चीज करेंगे, डिस्टेंस से निकालेंगे, बट हमारा जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस हमेशा होगा, तो हम इस केस में हम रिटर्न कर देंगे n माइनस क्यू माइनस एन माइनस वन। ये फिक्स्ड है, ये चीज़ दोनों में बदल रही है, क्योंकि जब अगर हमारा सपोज करो इसी एग्जांपल के लिए क्यू हमारा अगर 8 है, तो 6 से 8 का डिस्टेंस 2 है, लेकिन अगर 6 में से हम 8 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ क्यू माइनस एन कर दिया कि 8 माइनस 2 6 2 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, n माइनस जो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है n माइनस डिस्टेंस माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला, और यहाँ पे जो हमारा n है वो n प्लस वन के इक्वल है। ठीक है, एक तरीके से तो इसका कोड कर लेते हैं कैसे होगा। तो जो हमारा इफ जो हमारा q है वो लेस देन इक्वल टू n है, हमने n को n प्लस वन कर दिया, तो q लेस देन इक्वल टू वन है, तो रिटर्न हम क्या करेंगे, n माइनस q माइनस वन। एल्स केस में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे n माइनस क्यू माइनस एन माइनस वन। ओके गाइज वन मोर थिंग, क्यू अगर हमारा आउट ऑफ द लिमिट है तो उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे मैक्स कर देंगे, अगर हमारा क्यू आउट ऑफ, क्योंकि हम निगेटिव वैल्यूज आंसर नहीं होंगी, तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा। इसको कंपाइल करके देखते हैं, ये हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, इसको कंपाइल करके देखते हैं और सबमिट करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा, और गाइस एक्सेप्ट